हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में आज हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ सर्विसेज। तो देखिए, दो टाइप की सर्विसेज होती हैं। एक तो होती है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज और दूसरी होती है कनेक्शन लेस सर्विसेज, ठीक है। एंड जो दोनों सर्विसेज है, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस सर्विसेज, दोनों का काम क्या है? टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन सेंडर और रिसीवर। और जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हम लोग करते हैं, वो किस लिए करते हैं? ताकि हम लोग डेटा को ट्रांसफर कर पाए सेंडर से रिसीवर तक, ठीक है। तो दोनों सर्विसेज का काम सेम है, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करना सेंडर और रिसीवर के बीच में, ताकि हम लोग डेटा को ट्रांसफर कर पाए। लेकिन ये जो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट और डेटा ट्रांसफर का जो तरीका है ना दोनों सर्विसेज में, वो तरीके अलग अलग है, ठीक है। हम एक एक करके दोनों तरीके को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज। जो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज होता है ना, इसमें तीन फेज होता है। पहला फेज होता है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। इसमें क्या होता है कि हम लोग सेंडर और रिसीवर के बीच में पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो सेकेंड फेज आता है डेटा ट्रांसफर का, ठीक है। उसके बाद हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद से थर्ड फेज आता है, जब हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं देन हम लोग क्या करते हैं, अपना कनेक्शन को टर्मिनेट करते हैं। तो इसमें तीन फेज आता है और ये सीक्वेंस भी सेम है, ठीक है। सबसे पहले होगा हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का, देन होगा हमारा फेज डेटा ट्रांसफर का, देन फेज आएगा हमारा कनेक्शन टर्मिनेशन का। ये तीन फेज होते हैं और इसी सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है। और जो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज हैं, इसमें जो भी हमारे डेटा पैकेट्स हैं ना, वो सेम ऑर्डर में रिसीव होते हैं सेंडर को। सेंडर जिस ऑर्डर में डेटा पैकेट को भेजता है ना, उसी ऑर्डर में रिसीवर को भी रिसीव होते हैं। लेट सपोज सेंडर ने तीन डेटा पैकेट भेजा, पैकेट नंबर वन सबसे पहले भेजा, देन पैकेट नंबर टू भेजा, देन पैकेट नंबर थ्री भेजा। तो रिसीवर को भी सबसे पहले पैकेट नंबर वन रिसीव होगा, देन पैकेट नंबर टू रिसीव होगा, देन पैकेट नंबर थ्री रिसीव होगा, ठीक है। जिस सीक्वेंस में सेंडर पैकेट्स डेटा पैकेट्स को भेजेगा, उसी सीक्वेंस में रिसीवर को भी डेटा पैकेट रिसीव होता है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज में, ठीक है। एंड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज क्या यूज करते हैं? हैंडशेक मेथड यूज करते हैं कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, ठीक है। ये हैंडशेक मेथड क्या होता है, मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। और जब ये हैंडशेक मेथड के से जब कनेक्शन हमारा एस्टेब्लिश हो जाता है, देन हम लोग क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज को हम लोग रिलायबल नेटवर्क सर्विसेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्विस ये गारंटी देता है कि जो सेंडर ने डेटा पैकेट भेजा है, वो डेटा पैकेट रिसीवर को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इस सर्विसेज को क्या बोलते हैं, रिलायबल नेटवर्क सर्विसेज है। इस पर हम लोग रिलाय कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं कि हाँ, इस सर्विस के थ्रू हम लोगों ने जो डेटा पैकेट भेजा वो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे हम लोग पोस्ट ऑफिस से अगर कुछ डेटा कुछ अपना चिट्ठी या कोई भी मैसेज वगैरह भेजना रहता है, कोई कुरियर करना रहता है, तो एक होता है नॉर्मल पोस्ट, एक होता है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट में क्या होता है, गारंटी होती है कि आपको जो भी आप पैकेट भेज रहे हो वो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। जो नॉर्मल पोस्ट आप करते हो उसमें गारंटी नहीं रहती है, हो सकता है वो मिस हो भी जाए। हर टाइम मिस नहीं होता है, डिलीवर होता है, बट उसमें गारंटी नहीं रहती हो। मिस हो गया तो फिर आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते। लेकिन जो स्पीड पोस्ट करते हो या जो प्राइवेट कंपनी से भेजते हो, उसमें आप ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ फैसिलिटी मिलती है, उसमें गारंटी रहती है, ठीक है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज में जो डेटा जाता है उसमें गारंटी रहती है कि रिसीवर को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए इस सर्विसेज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलायबल नेटवर्क सर्विसेज बोलते हैं। जो टीसीपी प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे, वैसे रेफरेंस मॉडल में भी यूज किया जाता है, या टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल मॉडल है उसमें भी यूज किया जाता है। तो वो जो टीसीपी प्रोटोकॉल है, वो कौन से कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। या जो सर्किट स्विचिंग है या वर्चुअल सर्किट स्विचिंग है, जो हम लोग अभी इसी प्लेलिस्ट में स्विचिंग वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, तो ये दोनों जो स्विचिंग टेक्निक है, ये भी कौन सा स्विचिंग टेक्निक है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज है, ठीक है। तो सर्किट स्विचिंग और वर्चुअल सर्किट स्विचिंग कौन से स्विचिंग सर्किट है, कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क क्रिएट करती हैं ये, ठीक है। और टीसीपी प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, जब भी अभी मैंने बोला ना हैंडशेक मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले सेंडर एक रिक्वेस्ट पैकेट भेजता है किसको, रिसीवर को, और उस रिक्वेस्ट पैकेट को क्या बोलते हैं, सिंक पैकेट बोलते हैं। जब रिसीवर को सिंक पैकेट मिलता है तो रिसीवर भी क्या करता है कि एक रिस्पांस भेजता है सेंडर को, और उस पैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक एक्नॉलेजमेंट पैकेट बोलते हैं। और जब रिसीवर को सिंक एक्नॉलेजमेंट पैकेट मिलता है, तो इसका मतलब ये होता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है, ठीक है। और रिसीवर हमारा रेडी है डेटा को रिसीव करने के लिए, और सेंडर हमारा क्या करता है, डेटा को भेजता है रिसीवर के पास। जब सेंडर हमारा डेटा सक्सेसफुली भेज चुका है, जब सेंडर को जितना भी डेटा भेजना था वो भेज चुका है, देन सेंडर क्या कर सकता है, कनेक्शन को टर्मिनेट कर देगा। कैसे टर्मिनेट करेगा, एक सिग्नल भेजेगा रिसीवर को, कनेक्शन टर्मिनेट करने का भी एक अपना सिग्नल होता है, वो सिग्नल भेजेगा, एंड देन क्या होगा कि कनेक्शन जो भी सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ था वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इस नेटवर्क सर्विसेज को रिलायबल है, क्योंकि इसमें
डेटा पैकेट जरूर मिलता है, ठीक है। और इसमें देखिए दो फेज हुआ ना, सबसे पहले हम लोगों ने जो एक्नॉलेजमेंट और भेजा, ये फर्स्ट फेज हो गया, इसमें कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का काम हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जब कनेक्शन हो गया तो डेटा को ट्रांसमिट किया, तो ये सेकंड फेज हो गया। और जब कनेक्शन, जब हमारा डेटा, जो भी हमारे पास डेटा था, जो हमने सारा डेटा भेज दिया था, हम लोगों ने क्या किया, थर्ड फेज यूज किया, हमने अपने कनेक्शन टर्मिनेट कर दिया। तो देखिए लेट सपोज कि डिवाइस वन हमारा सेंडर है और डिवाइस टू हमारा रिसीवर है, तो डिवाइस वन से जो डेटा पैकेट जाएगा वो रिसीव डिवाइस टू तक जाने के दो रास्ते हैं, या तो ये वाला रास्ता ले सकता है या तो ये वाला रास्ता ले सकता है। तो सबसे पहले डेटा पैकेट भेजने से पहले डिवाइस वन क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट पैकेट भेजेगा, और लेट सपोज जो रिक्वेस्ट पैकेट ये ऊपर वाले रास्ते से होकर जाता है, ठीक है, और वो इस रास्ते से होते हुए गया और रिसीवर के पास भेजा, और रिसीवर ने भी क्या किया, इसी रास्ते से अपना एक्नॉलेजमेंट भेजा। तो क्या होगा कि ये रास्ता जो है ना, ये रास्ता फिक्स हो जाएगा किसके लिए, ये डिवाइस वन और डिवाइस टू के लिए। अभी ये क्या होगा कि डिवाइस वन और डिवाइस टू के लिए ये रास्ता फिक्स हो गया, और इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब डिवाइस वन क्या करेगा, जो भी डेटा पैकेट इसको भेजना होगा वो सारा डेटा पैकेट इसी रास्ते से होकर जाएगा, इसी सीक्वेंस में होते हुए जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, अगर ये डेटा पैकेट ऐसे जा रहा है, अगर ये वन नंबर का डेटा पैकेट है, ये टू नंबर का डेटा पैकेट है, सबसे पहले वन जाएगा, फिर टू जाएगा, यहाँ हर जगह पे सबसे पहले आगे वन रहेगा, उसके बाद टू रहेगा हर जगह पे, तो रिसीवर को भी सबसे पहले वन ही मिलेगा, देन टू मिलेगा, तो वो सीक्वेंस सेम रहता है। और ये जो भी रिसोर्सेस होंगे ना सेंडर और रिसीवर के बीच में इस रास्ते में, वो सारे रिसोर्सेस एलोकेटेड हो जाएंगे किसको, डिवाइस वन और डिवाइस टू को। उस जब तक ये डिवाइस वन अपना डेटा सेंड कर रहा है डिवाइस टू को, उस टाइम तक जब तक इन दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट और डेटा ट्रांसफर हो रहा है, उस टाइम ये रास्ता कोई दूसरा डिवाइस यूज नहीं कर सकता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो जब तक इन दोनों के बीच में कनेक्शन, इनके बीच में जो भी रिसोर्सेस है बस इन्हीं दोनों को एलोकेटेड है। उसके बाद से जब डिवाइस वन का अपना सारा डेटा जब ये ट्रांसफर कर लेगा, देन ये क्या करेगा, एक कनेक्शन टर्मिनेशन का सिग्नल भेजेगा, दोनों के बीच का जो भी कनेक्शन होगा वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। एंड कनेक्शन टर्मिनेशन में क्या होगा कि ये जो भी रिसोर्सेज जो एलोकेटेड किए थे ना इन दोनों को, वो रिसोर्सेज रिलीज कर दिए जाएंगे, फ्री कर दिए जाएंगे। एंड कोई अगर दूसरा डिवाइस अगर इस रास्ते को यूज करना चाह रहा होगा अपने अपने रिसीवर तक पहुंचने के लिए, तो वो भी यूज कर सकता है। उसके बाद जब वो कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, तो कनेक्शन टर्मिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्स को रिलीज करते हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में क्या करते हैं, रिसोर्स को एलोकेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद से डेटा ट्रांसफर बीच में आता है दो नंबर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज क्या होता है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड में आपको क्वालिटी ऑफ सर्विसेज मिलती है, अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज रिलायबल है, क्यों रिलायबल, आपको अभी समझ में आया कि डेटा पैकेट इसमें गारंटी होती है, रिसीवर को मिलेगा ही मिलेगा। और कनेक्शन लेस सर्विसेज रिलायबल नहीं होती है, उसमें गारंटी नहीं होता है कि जो डेटा पैकेट सेंडर ने भेजा वो रिसीवर को मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस ये जो सर्विसेज है, लार्ज जो भी मैसेज होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें उसके स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं, ताकि वो आसानी से डेटा पैकेट नेटवर्क में ट्रांसमिट कर पाए, ठीक है। और जो हमारा डेटा डुप्लीकेट का या डेटा मिस का जो प्रॉब्लम है ना, वो इसमें नहीं होता, क्योंकि डेटा डुप्लीकेशन का तो कोई बात ही नहीं, जो भी हम लोग डेटा एक बार भेजा वही डेटा मिल जाएगा, और डेटा कोई मिस होने वाले बात ही नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें बीच में कोई रास्ता, जो भी रास्ता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, केवल इन्हीं दोनों के लिए एलोकेटेड है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज ये है कि कॉस्ट इसमें ज्यादा लगता है, ठीक है। और कॉस्ट जो भी होगा सेंडर और रिसीवर के बीच में, जो भी रिसोर्सेस एलोकेट करना है, तो वो तो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कर लिया, उसके बाद से आप जितना मर्जी ट्रैफिक भेजिए, कम भेजिए ज्यादा भेजिए, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो कॉस्ट इसमें ज्यादा भी होता है और कॉस्ट फिक्स भी होता है, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन करने से पहले, कम्युनिकेशन मतलब जो डेटा ट्रांसफर करने का फेज होता है ना, उसको कम्युनिकेशन फेज भी बोलते हैं। कम्युनिकेशन करने से पहले हमें क्या करना होता है, रिसोर्स एलोकेट करना होता है, मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करना होता है। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्स का एलोकेट करते हैं, देन कम्युनिकेशन फेज आता है जिसमें हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं, या डेटा ट्रांसफर फेज भी उसको बोलते हैं। देन हम लोग कनेक्शन टर्मिनेशन फेज जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्स को रिलीज करते हैं। और एक और इसमें प्रॉब्लम यह है कि लेट सपोज कि जो हमने कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कर लिया, जो बीच में रिसोर्सेस वो सारे एलोकेटेड हो चुके हैं, डेटा ट्रांसफर हो रहा है, और ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसफर उस वो जो रिसोर्स एलोकेट किए हैं, अगर वो रिसोर्स कोई फेल कर जाता है या उस रिसोर्स में कोई प्रॉब्लम आता है, तो हमारे पास कोई अल्टरनेटिव वे नहीं रहेगा डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। फिर से हमें क्या करना होगा, फिर से कोई दूसरा रास्ता देखना होगा, फिर से कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करना होगा। तो जो भी वो डेटा पैकेट्स वो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन होंगे, वो हो सकते हैं कि लॉस हो जाए, ठीक है, अगर बीच में रिसोर्स हमारा फेलियर होता है, तो उस केस में ये इसका एक डिसएडवांटेज है।
अब हम लोग देखते हैं कनेक्शन लेस सर्विसेज। कनेक्शन लेस सर्विसेज में ये जो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट और कनेक्शन टर्मिनेशन का जो फेज होगा ना, वो नहीं होगा। डेटा ट्रांसफर का तो फेज ऑब्वियस बात है, क्योंकि सर्विसेज जो भी दोनों सर्विसेज है, दोनों का मकसद ही है डेटा को ट्रांसफर करना, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफर का तो फेज होगा, लेकिन ये कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट और कनेक्शन टर्मिनेशन का जो फेज है वो इसमें नहीं होगा। इसमें जो होगा ना, ये पैकेट जो भी डेटा पैकेट इस सर्विसेज के थ्रू हम लोग भेजेंगे, वो सारे के सारे डेटा पैकेट सेम पाथ को फॉलो नहीं करेंगे। कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या हो रहा था, एक ही पाथ से सारे डेटा पैकेट जा रहे थे। इसमें क्या होगा कि हर एक डेटा पैकेट अलग अलग रास्ते से भी होकर जा सकता है। इस सर्विसेज को रिलायबल नेटवर्क सर्विसेज नहीं बोलते हैं, नॉट रिलायबल है ये। क्यों? क्योंकि इस सर्विसेज से हम लोग को गारंटी नहीं मिलती है कि हमारे जो डेटा पैकेट भेजा वो रिसीवर को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसमें गारंटी नहीं होती, इसलिए इसको नॉट रिलायबल, ये रिलायबल उतना नहीं है, ठीक है। डेटा पैकेट रिसीवर को जो मिलेगा वो किसी दूसरे ऑर्डर में भी हो सकता है। हो सकता है कि सेंडर ने सबसे पहले डेटा पैकेट 1 भेजा, देन डेटा पैकेट 2, देन डेटा पैकेट 3 भेजा। रिसीवर को हो सकता है सबसे पहले डेटा पैकेट 3 मिला, देन डेटा पैकेट 1, देन डेटा पैकेट 2 मिला, ठीक है। इस सीक्वेंस में भी डेटा पैकेट रिसीवर को मिल सकता है। तो जो डेटा पैकेट रिसीवर को मिलने का जो सीक्वेंस है वो सेंडर के सीक्वेंस से डिफरेंट भी हो सकता है। और कनेक्शन लेस सर्विसेज में क्या होता है कि जो हम लोग डेटा पैकेट ट्रांसमिट कर रहे हैं वो हो सकता है कि नेटवर्क कंजेशन की वजह से वो नेटवर्क में ही लॉस हो जाए, रिसीवर तक ना पहुंचे, कहीं दूसरी जगह डिलीवर हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस ही बोलेंगे ना। तो डेटा लॉस होने का भी हमें चांसेस रहता है कनेक्शन लेस सर्विसेज में। कौन कौन से सर्विसेज हैं जो कनेक्शन लेस सर्विसेज यूज करते हैं, जैसे जो आईपी प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, या यूडीपी यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल, या ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, या IXP इंटर नेटवर्क पैकेज एक्सचेंज। ये सारे प्रोटोकॉल किस पे काम करते हैं, कनेक्शन लेस सर्विसेज पे। और भी बहुत सारे हैं, मैंने कुछ यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है। अगर हम लोग डायग्राम से समझे तो फिर वही डिवाइस वन हमारा सेंडर है और डिवाइस टू हमारा रिसीवर है। डिवाइस वन ने हमारा डेटा पैकेट भेजा, ये डेटा पैकेट वन है और ये डेटा पैकेट टू है। डेटा पैकेट वन लेट सपोज इस रास्ते से गया, ठीक है, इस रास्ते से होते हुए यहां तक गया। यहां पर कोई भी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का कोई भी फेज नहीं होगा, डायरेक्ट हम लोग डेटा ट्रांसफर करेंगे। जो ये डेटा पैकेट टू है वो इस रास्ते से भी जा सकता है, और ये डेटा पैकेट टू ये भी है, इस रास्ते से भी जा सकता है। तो डेटा पैकेट टू ये रास्ता भी ले सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकती है। ये फिक्स नहीं है कि डेटा पैकेट वन टू डेटा पैकेट वन वाले रास्ते से ही जाएगा, कोई भी दूसरा रास्ता ले सकता है, उस रास्ते को भी फॉलो कर सकता है। जरूरी नहीं कि वो रास्ता फॉलो ही नहीं करेगा, वो रास्ता भी फॉलो कर सकता है, दूसरा रास्ता भी ले सकता है, ठीक है। तो हर एक पैकेट अलग अलग रास्ते से होते हुए रिसीवर के पास जाएंगे, फिर रिसीवर के पास एंड में हम लोग वो फिर पैकेट को रीअरेंज करते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल मैसेज हम लोगों ने भेजा था वो उसको फिर से स्ट्रक्चर करने के लिए, वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कनेक्शन और डेटा ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कनेक्शन लेस सर्विसेज में क्या होगा कि पैकेट अलग अलग रास्ते से जाते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, फास्ट है। फास्ट इसलिए क्योंकि कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट और ट्रांसमिशन में जो टाइम लगता है वो इसमें कोई जरूरी नहीं है, इसमें वो टाइम नहीं लगता, डायरेक्ट हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं। इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग जैसे कि जो हमारा रेडियो सिग्नल्स आते हैं, तो रेडियो सिग्नल्स में क्या होता है कि रेडियो चैनल वाले जो मैसेज भेज रहे हैं वो सारे लोगों को, जो भी ऑपरेटर वो उस चैनल उस फ्रीक्वेंसी पर अपना मोबाइल या जो भी डिवाइसेस उसको ऑपरेट करेगा, तो सबको सेम मैसेज मिलता है। जैसे टीवी चैनल होता है, टीवी में क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग होती है, सबको सेम मैसेज मिलता है। तो ब्रॉडकास्टिंग मैसेज क्या होता है कि वैसा मैसेज जो सारे रिसीवर को सेम मैसेज मिले, ठीक है, वैसा कनेक्शन जो सारे रिसीवर को सेम मैसेज मिले, तो वैसे ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग मैसेज बोलते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम लोग कनेक्शन लेस सर्विसेज की यूज करते हैं। इसमें हमें एरर को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, इसमें एरर होता है, इसमें बहुत ज्यादा एरर होता है कनेक्शन लेस सर्विसेज में, लेकिन एरर को हम लोग रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, एरर करेक्शन टेक्निक हम लोग को कहाँ यूज करना पड़ेगा, एप्लीकेशन लेयर पे यूज करना पड़ेगा। जो OSI रेफरेंस मॉडल या TCP/IP प्रोटोकॉल मॉडल जो है उसमें सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर आता है, मतलब जिस लेयर पे हम लोग कनेक्शन लेस सर्विसेज और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज यूज करते हैं, कनेक्शन लेस सर्विसेज जिस लेयर पे यूज करते हैं उसके पहले ट्रांसपोर्ट लेयर में बेसिकली यूज होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के पहले एप्लीकेशन लेयर आता है, तो एप्लीकेशन लेयर में हम लोग कनेक्शन और एरर करेक्शन अगर हम लोग टेक्निक यूज करें तो इस सर्विसेज के द्वारा जो हम लोग यूज करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर में, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में एरर कम आने का चांस होगा, ठीक है। तो पहले ही हम लोग एरर करेक्ट कर ही डेटा भेजेंगे, ठीक है। तो कनेक्शन लेस सर्विसेज को एरर अगर रिड्यूस करना है तो कहां पे हमें यूज करना होगा एरर करेक्शन टेक्निक, एप्लीकेशन लेयर में। ये सर्विसेज इजी सिंपल और इजी है, इसमें लो ओवरहेड है, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट रिसोर्स एलोकेशन करने का कोई ओवरहेड भी नहीं है, इसमें कोई भी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस नहीं होता है डेटा ट्रांसफर करने से पहले, ठीक है, जबकि उसमें ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हम लोग परफॉर्म करते हैं। एंड बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो सिक्वेंशियल डेटा को डिलीवरी नहीं चाहते हैं, जैसे जो वॉइस हमारा जाता है, वॉइस पैकेट्स, उसमें जरूरी नहीं है कि सारे सिक्वेंस सेम जाए।
तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो ऐसा चाहते हैं कि हमारे पैकेट सीक्वेंस में ना जाए लेकिन फास्ट जाए, ठीक है, वो वहां पर अपना एंड में उस सीक्वेंस को अपना अरेंज कर लेंगे, वो अलग बात है। तो वहां पे हम लोग कौन से सर्विसेज यूज करेंगे, कनेक्शन लेस सर्विसेज, ये इसका एडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि लेस रिलायबल है एज कम्पेयर टू कनेक्शन ओरिएंटेड, क्योंकि इसमें गारंटी नहीं है कि जो डेटा पैकेट हमने भेजा वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, तो गारंटी नहीं है, इसमें एरर अकर हो सकता है, डेटा पैकेट हमारा लॉस हो सकता है, मिस डिलीवरी हो सकता है, या डुप्लीकेट डिलीवरी हो सकता है, या आउट ऑफ सीक्वेंस हमारा डिलीवरी हो सकता है, तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज है। और इसमें नेटवर्क कंजेशन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं कनेक्शन लेस सर्विसेज में, ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे जो भी डेटा पैकेट्स हैं अलग अलग सोर्सेज से सेम रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा, नेटवर्क में कंजेशन ज्यादा होगा। अगर हम लोग डिफरेंसेस टेबल के फॉर्म में देखें तो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज को आप अपना जो टेलीफोन सर्विसेज होता है ना उससे कंपेयर कर सकते हैं। टेलीफोन सर्विसेज में क्या होता है, सबसे पहले आप अपना रिसीवर उठाते हो, नंबर डायल करते हो, नंबर डायल करते हो, उस बीच में क्या होता है, आपके और रिसीवर के बीच में कनेक्शन क्रिएट किया जा रहा है, वो जो टून टून का जो साउंड आता है, देन आप क्या करते हो, जब कनेक्शन क्रिएट हो जाता है देन आप जो भी आपको बात करना, आपको जो भी डेटा आप ट्रांसफर करते हो, एंड जब आपको बात खत्म हो जाती है देन आप क्या करते हो, रिसीवर का एक बटन होता है डालते हो, फिर से वो सिग्नल जाता है बीच में सर्किट में, और आप दोनों के बीच का जो भी कनेक्शन वो डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। एंड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन आपका जो लाइन है, जो आपका और रिसीवर के बीच का जो लाइन कनेक्ट किया गया, वो उस लाइन पे किसी दूसरे का आवाज नहीं जाता है, ठीक है, तो इसको आप टेलीफोन सिस्टम से कंपेयर कर सकते हो, और इसको आप पोस्टल सिस्टम से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि एक चिट्ठी दूसरी चिट्ठी, मतलब सारी चिट्ठियां एक ही रास्ते से होकर रिसीवर तक नहीं जाएंगी, ठीक है, हो सकता है सब अलग अलग रास्ते से होते हुए रिसीवर तक पहुंचे। जैसे एक एक शहर है दूसरा शहर है, तो एक शहर से जो भी चिट्ठी आएगी दूसरे शहर में, जरूरी नहीं है कि एक ही रास्ते से, अलग अलग रास्ते से भी वो चिट्ठियां आ सकती हैं, तो पोस्टल सर्विसेज से आपको कंपेयर कर सकते हो। ये सर्विस कब हम लोग यूज करते हैं, लॉन्ग एंड स्टेडी कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, ये बस टी कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, वर्चुअल पाथ इसमें क्रिएट हो जाता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, जो जो रिसोर्स एलोकेशन होता है ना, क्या होता है, एक वर्चुअल पाथ क्रिएट कर दिया जाता है जब तक हम लोग डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, डेटा ट्रांसमिट करने के बाद वो पाथ मतलब डिस्कनेक्ट कर देते हैं, जबकि इसमें कोई भी ऐसा वर्चुअल पाथ क्रिएट नहीं होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज में कंजेशन पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि सेंडर जो डेटा भेज रहा है केवल सेंडर, और वो रास्ता कौन यूज करेगा, केवल सेंडर ही यूज करेगा, जबकि इसमें कंजेशन पॉसिबल है क्योंकि वो रास्ता मल्टीपल सेंडर यूज कर सकते हैं। इसको रिलायबल बोलते हैं सर्विसेज, क्योंकि इसमें गारंटी डेटा पैकेट रिसीवर को मिलेगा ही मिलेगा। इसको नॉन रिलायबल बोलते हैं क्योंकि इसमें गारंटी नहीं है। इसमें सारे पैकेट्स कौन सा, सेम रूट को फॉलो करते हैं, एक ही रास्ता को सारे पैकेट्स फॉलो करते हैं सेंडर, लेकिन इसमें सारे पैकेट सेम रास्ता को फॉलो नहीं करते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज को हाई बैंडविड्थ चाहिए होता है, क्योंकि एक जो सेंडर और रिसीवर के बीच का जो चैनल है उसका जो भी बैंडविड्थ है वो सब सारा का सारा बैंडविड्थ किसको एलोकेट कर दिया जाएगा, केवल एक सेंडर और रिसीवर को एलोकेट कर दिया जाएगा, जबकि कनेक्शन लेस सर्विसेज में वही बैंडविड्थ मल्टीपल सेंडर और रिसीवर शेयर करेंगे, ठीक है, उसी चैनल में मल्टीपल सेंडर और रिसीवर का डेटा पैकेट जाएगा, तो इसको लो बैंडविड्थ चाहिए होता है। इसका यूज टीसीपी प्रोटोकॉल्स में यूज करते हैं, या जो सर्किट स्विचिंग, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें भी यूज करते हैं। इसमें यूडीपी है, आईपी है, आईसीएमपी, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। इसमें कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज में कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट जो प्रोसेस होता है उसमें हम लोग ऑथेंटिकेशन भी परफॉर्म करते हैं कि जो रिसीवर हमें चाहिए, जो जिसको हमने डेटा भेजना है वही रिसीवर से हम कनेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं, ठीक है, जबकि इसमें कोई भी ऐसा ऑथेंटिकेशन प्रोसेस परफॉर्म नहीं किया जाता कनेक्शन लेस सर्विसेज में। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज और कनेक्शन लेस सर्विसेज में क्या डिफरेंस है। ये सर्विसेज आपको और भी अच्छे से क्लियर होंगी जब हम लोग टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल या ये सारे जो प्रोटोकॉल्स यूज करेंगे तो वहां पर ये टर्मोलॉजी यूज किया जाता है कि ये जो टीसीपी है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज यूज करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज की कौन कौन से फीचर्स हैं एंड कनेक्शन लेस सर्विसेज की कौन कौन से फीचर्स हैं। जहां पे भी आपको बोला जाएगा ना कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज ये है, तो इसका मतलब वो सारे फीचर्स वो सर्विस यूज प्रोवाइड करेगा, ठीक है, तो ये सारे फीचर्स आपको याद रखना है कि नेक्स्ट जब भी मैं आगे बोलूंगा कि ये सर्विस कनेक्शन ओरिएंटेड है तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक करें, एंड साथ ही साथ अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में मैं आपको टाइप ऑफ स्विचिंग बताने वाला हूँ, स्विचिंग क्या होता है, साथ ही साथ मैं डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन का कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, तो आप अपना कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल पर कवर कर पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।